हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल, कायाकल्प लेजर क्लिनिक बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर साहब, पंजाब। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारी स्किन टेक्स ए टोल ऑन इट एंड आवर फेस टेक्स मोस्ट ऑफ इट, क्योंकि फेस का पार्ट जो एक्सपोज होता है, हमारे हैंड्स एक्सपोज होते हैं, हमारी फोर आर्म और आर्म एक्सपोज होती है, तो वहाँ पर डार्कनिंग भी होती है और एजिंग का इफेक्ट भी ज़्यादा आता है। तो बाकी शरीर चाहे गोरा पड़ा हो तो ये फेस भी काला हो जाता है और आर्म्स भी काली हो जाती हैं। आपने देखा ही है कि कैसे आजकल ग्लव्स वगैरह पहनने लग गए, पर फिर भी फेस को तो हमें रखना ही पड़ता है। और फेस के ऊपर एंटी एजिंग जो इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट है उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है। अगर हम उसको निगेट करें तो हमारी एज 10 साल कम लगने लग जाती है। और उसको करने के लिए हमारे पास बहुत सी टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जिनमें से हाइफू एक है और बोटोक्स है, फिलर हैं, थ्रेड्स हैं। थ्रेड्स में भी दो तरह के थ्रेड्स आ जाते हैं, मोनो थ्रेड्स एंड कॉक थ्रेड्स। और इसके अलावा एंटी एजिंग जो क्रीम्स एंड सीरम्स मिलते हैं, तो उससे आपकी स्किन को एक न्यू लीज ऑफ लाइफ मिलती है और आपकी स्किन दोबारा मुस्कुराने लगती है। जो आपके चेहरे के ऊपर झुर्रियों के कारण या रिंकल्स और डल स्किन के कारण आपकी एज ज़्यादा लगती है, अगर आपकी स्किन चमकदार और लस्टर वाली हो जाएगी तो उससे आपकी एज बहुत कम लगने लगती है। तो उसके लिए हमें ये बोटॉक्स और फिलर कई बार करने पड़ते हैं। फिलर वहाँ करा किया जाता है जहाँ से हमारा वॉल्यूम चला गया, क्योंकि हमारे फेस के ऊपर दो लेयर में फैट होती है, फैट पैड्स बोलते हैं इनको। एक डीप फैट पैड्स होते हैं, एक सुपरफिशियल पैड्स होते हैं। जो डीप वाले हैं कई बार वो कम हो जाते हैं और सुपरफिशियल वाले भी कम होते हैं एज के साथ साथ। जैसे आइज़ के नीचे के फैट पैड अगर चले गए तो आइज़ हमारी संकन लगती हैं, डार्क लगती हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे डार्क सर्कल आ गए। और इसी के साथ साथ स्माइल लाइन्स हो गई और एप्पल ऑफ द चीक हो गया। ये जैसे ऊपर रहेगा, जितना ऊपर रहेगा उतना आप यंग दिखोगे, और जैसे जैसे ये नीचे को सैग कर जाएगा और ये सारी यहाँ पर आके सैग हो जाती है स्किन, सारी चिन के नीचे नीचे स्किन सैग हो जाती है, आपका जो जॉ लाइन है वो सारा ऑब्सक्योर हो जाता है। तो जैसे ही जॉ लाइन आपकी दिखनी शुरू हो जाएगी, आपकी एप्पल ऑफ द स्किन अप हो जाएगा, तो आप यंग दिखने लगते हो। इसी तरह से फोरहेड के ऊपर रिंकल हैं, क्रोज फीट हैं, आँखों के आसपास जो आते हैं ये क्रोज फीट कहते हैं इनको, तो ये सारे हमारी एजिंग में दिखाते हैं कि हमारी एज बढ़ गई है और इसको हम रिवर्स करना चाहते हैं। तो इसको रिवर्स करने के लिए हम बोटॉक्स, फिलर, थ्रेड्स और लेज़र और हाइफू और इसके अलावा सीरम्स यूज़ करते हैं। अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है रिजुविनेशन, आप एज से ज़्यादा लग रहे हैं, तो आप इन तीन टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं और अपनी रिजुविनेशन करवा सकते हैं फेस की। आज हम ऐसा ही एक पेशेंट दिल्ली से है हमारे पास, उनका हम कर रहे हैं। तो अगर आपने देखना है तो आप वीडियो में बने रहें। तो जो लोग लीव करना चाहते हैं वो इसके बाद आप लीव कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल, कायाकल्प लेजर क्लिनिक बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर साहब, पंजाब। मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है 9256693566, सेकेंड नंबर 8453684636। धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, ये हमने थ्रेड डाल दिया है और अब हम इसको रिमूव कर रहे हैं। ये कॉक थ्रेड होता है, सेल्फ रिटेनिंग होता है, इसमें कांटे लगे होते हैं और वो अपने आप स्किन को पकड़ लेते हैं। तो ऐसे हम इसको पुल कर रहे हैं और यहाँ से ये देख सकते हैं आप, थ्रेड बाहर आ गया, नीडल बाहर आ गया, थ्रेड अंदर रह गया है, ठीक है।